बोलो शास्त्र भागु भगवान की जय। आज है 1 जनवरी 2023। सभी रिलेटिव आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। वो झंडा लगे थे वो तरफ नहीं जाना है ना, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। हाँ राइट साइड में नहीं जाना है ना, तो पूरा कूद दे हम। सही बात, सब जन के ध्यान हुई थी होगी नहीं, सब जन नाश्ता पानी करत रही तो छोड़ के ला देखे आए वाला। अरे मैं खाली ऐसे घोड़ा क्या समझता हूँ, कहाँ तुम लोग मेरे बोल दो कितना घोड़ा धोया हूँ उसको, मैं तुम लोगों का कर मैं छुगा घोड़ा मारने लायक खटारा मारी जबरदस्ती जाके घोड़ा के छटारा साला वो ए मन ना लेडीज मन ना लइका वाला धरा दे से बस लेडीज मन अपन वाला लइका वाला धरा दे अभी जान धरदारी का खाती जान ना देगा। अरे यहां आनंद ही यहां आनंद है, अगर है तो नहाज के आनंद समझते हैं, मन है कुछ नहीं है आनंद का। हां लेकिन अब वही है, अभी अभी तुरंत तुरंत आनंद लगे इसका तो ठीक है, आनंद है वही छरे नहाज के जाने दिल हो जाता है, मतलब चलाने नहीं है उनका। मैं तो तोर हमर पूरा वाला कल आ गया था चट्टी पर बेचारा देखा क्या गया। कहूँ जगह जाए आगे फूल रखे लेडीज बन रहा और जाए के बाद दुनिया भर के नाटक जाने बन रहा है। हाँ कुछ नाटक का जाएगा पहले को अभी कुछ है ना, मेरे घर का लड़का माटी बहुत गिरी से पूरी से मर जाए फिर पुलिस वाला मैं समझ ले सारी जगह ही सती। पाक पाक खतरा बने हैं क्या बहुत खतरे ते बालू हेते कर लो ज्यादा ताकत लागत रे है ना। पंडित लोग का जो है पंडित लोग के साथ का ज्ञान हो गया। सभी रिलेटिव आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। आज है 1 जनवरी 2023, इसलिए देवरी पिकनिक स्पॉट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम आपको दिखाते हैं पिकनिक स्पॉट में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है,
इस तरीके से लगा हुआ भीड़। देवरी में पिकनिक मनाने के लिए जो पेड़ पौधा है उसके नीचे आप कैप्चर कर लीजिए, फिर पिकनिक मनाइए, या तो फिर इस तरीके का टेंट ले आइए, तब पिकनिक मनाते बनेगा, वरना फिर धूप हो जाएगा और फिर बड़ा मुश्किल होगा। देखिए सब जितने भी जगह पिकनिक में आए हैं सब अपना अपना एक एक जगह कैप्चर कर लिए पेड़ के नीचे और उसके बाद पिकनिक मना रहे हैं। देवरी भी बहुत अच्छा जगह पिकनिक मनाने के लिए और बहुत शानदार जगह। बहुत अच्छा है। चेतावनी, दुर्घटना संभावित स्थल पर पानी गहराई अधिक होने के कारण स्नान करना प्रतिबंधित है। ये जो रेड वाला झंडा लगा है उस तरफ जाना मना है और उसी के उस सावधानी के लिए यहाँ पुलिस वाले भी आए हुए हैं। इस तरफ हैं, बैठे हैं, वो हमीलों की कुर्सी लेके बैठे हैं इस तरफ ताकि सब सुरक्षित रहें। ऐसे करके बोलो सहस्त्र भागु भगवान की जय। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष हम लोग 9 वर्ष में पुरैना के पास देवरी पर्यटन स्थल को चुना। हम लोग पिछले वर्ष सतरेंगा को चयन किए थे, इस वर्ष देवरी चिचोली आए हैं। पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा आयोजन है और ऐसा इस आयोजन को करके बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है और भविष्य में ये हम लोग ऐसे आयोजन करते रहेंगे और इसी प्रकार सब एक दूसरे से मिलना जुलना, उनके विचारों से अवगत होना और पारिवारिक माहौल में बहुत आनंद आ रहा है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। क्या गजब का जगह यार, वाह एक नंबर, पूरा यहाँ से वहाँ तक। पांच बजे के बाद किसी को उधर अलाउ नहीं है कार। यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है 5 बजे के बाद किसी को इधर आना जाना अलाउ नहीं है, अंधेरा है और लाइट नहीं है इस तरफ, इसलिए देवरी पिकनिक आएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो जगह है वह पुरैना गांव से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने पर ये पुल को क्रॉस करके जाएंगे तो उस तरफ वाला जो जगह है वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए। हम सभी इस तरफ से आते हैं और इधर से इधर नदी है, स्टार्टिंग में ही मिल जाता है इस तरफ, लेकिन इधर का जो जगह है वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, इसके लिए पुल से पार होके जाए। इधर पुल पड़ता है, पुल के उस तरफ वाला जो जगह है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, देवरी पिकनिक स्पॉट आएंगे तो दो रास्ता दिखता है, लेफ्ट और राइट में, तो इस ओर जाएंगे तो इधर भी पिकनिक मना सकते हैं लेकिन इधर उतना मज़ेदार जगह नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट में जाइएगा और यहाँ से एक पुल पड़ेगा, पुल के उस तरफ जो जगह है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उस ओर जाइएगा। धन्यवाद।